संपूर्ण चराचर की उत्पत्ति करने वाली परम्बा जगदम्बा जिनके हाथ में माला है, चारों तरफ देखा कौन है। राजा दक्ष ने कहा देख लो इनमें से कौन आपकी योगी। सज्जनों कहते हैं गानम सुन लेतम चक्र गंधरो, तो भगवती ने कहा था कि मैं शिव को वरदान दे चुकी हूं, शिव की अर्धांगिनी बनूंगी। सज्जनों लेकिन जब सती का स्वरूप रूप गुण और सौंदर्य देखकर हर पिता की ये पिता होती है, हर पिता चाहता कि हमारी कन्या के लिए स्वयं श्रेष्ठ भर प्राप्त हो, तो हाँ राजा दक्ष गलत नहीं, क्योंकि राजा दक्ष जानते थे वो रुद्र है जिनका रहने का कोई ठिकाना नहीं है, जिसका ठिकाना नहीं है उसको सात सदी का विवाह कैसे करूंगा। एक बुद्धि एक सर्वबुद्धि, पिता की बुद्धि थी क्या कोई श्रेष्ठ मिलेगा, एक कोमल पुत्री का विवाह उसके साथ करेंगे। सज्जनों बिना सेवा सभा चक्र तदा सत्या स्वयं मरे सत्या निष्क्रम, देवी देवता गंधर्व किन्नर सबको बुला गया, शिव भोलेनाथ जी बने बिना शिवम सभा चक्र तदा सत्या स्वयं मरे, बिना शिव क्या स्वयंवर था। नारद जी ने कहा भोलेनाथ जी शिव को क्यों नहीं बुलाया। कहते राजा दक्ष प्रजापति किसकी संतान ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी ने मानसी जब सृष्टि की थी तो 11 रुद्रों का उपार्जन किया था, वो 11 रुद्र बहुत तेजस्वी थे। सज्जनों बहुत तेजस्वी थे, लाल लाल उनके नेत्र थे, जटाजूट मध्य थे, भूत प्रेत साथ में रहते थे उनके, वो चारों तरफ कोलाहल कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा राजा दक्ष कुछ ऐसा कार्य करो आप जिससे ये रुद्र तथा सत्या स्वयंवरी कन्या विवाह की योग हो, कन्या विवाह की योग स्वयंवर सुमना समा हो सुरा समा। सज्जनों स्वयंवर का आरंभ हुआ, स्वयंवर हो वाट समक्ष पहाड़ी पे जो शारदा मंदिर बना है, शारदा मंदिर में बहुत से लोग उपद्रव किया करते थे, उस वजह से एक समिति का गठन किया गया। उस समिति के अनुकूल हर वर्ष पंडित जी जो पूजा पाठ करते हैं उसमें यह समिति के द्वारा इस साल देवी भागवत का आयोजन रखा गया है जो आज से 10 दिन तक क्रमशः चलती रहेगी। केदार प्रसाद उपाध्याय समिति अध्यक्ष। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? जनता से अपील है कि जनता प्रतिदिन इस धर्म लाभ का पुण्य लाभ अर्जित करें, 2 से 6 के बीच कथा का अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा का लाभ उठाएं, एवं व्रतबंध में शामिल होकर के बटुक ब्राह्मणों के बच्चों को आशीर्वाद दें और उनसे लाभ कमाएं। भागवत कहाँ पर रखी गई है अभी? भागवत ये यहीं पर होगी। कहाँ पर? शारदा मंदिर पहाड़ी पे। कब तक चलेगी ये? 2 तारीख से 9 तारीख तक। शारदा मंदिर इधर पर 48वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है जिसमें देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया है। पंडित अनिल कुमार शास्त्री जी के द्वारा देवी भागवत प्रतिदिन 2 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगी। 9 तारीख को व्रतबंध और 10 तारीख को व्रतबंध का पूजन होगा जिसमें नगर के और सभी लोग इसमें इकट्ठे हों, शामिल हों और पुण्य लाभ उठावें। नाम बता दीजिए अपने। शास्त्री राजा राम चौबी।